इस बीच देखिए आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा है। ये जो बताया जा रहा है कि बोनी कपूर दुबई से वापस मुंबई आए थे 21 फरवरी को, वो दरअसल आए थे अपने दोस्त की सालगिरह जन्मदिन की पार्टी में शिरकत करने के लिए, मनमोहन शेट्टी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए। बोनी कपूर 21 फरवरी को मुंबई आए थे। श्रीदेवी की मौत पर एबीपी न्यूज को ये बड़ी जानकारी मिली है कि मनमोहन शेट्टी की जन्मदिन पार्टी के लिए बोनी कपूर मुंबई आए थे, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी बर्थडे पार्टी में जाते हुए बोनी कपूर की तस्वीर है। दरअसल एडलैब्स के मालिक हैं मनमोहन शेट्टी, उन्हीं के जन्मदिन की पार्टी में शिरकत करने के लिए बोनी कपूर दुबई से मुंबई आए थे 21 फरवरी को। फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना जी जो स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने हुए, अच्छे दोस्त बोनी कपूर के मनमोहन शेट्टी? बिल्कुल, असल में मनमोहन शेट्टी के जो है फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अच्छे संबंध है। उसका एक कारण ये भी है कि एडलैब के वो मालिक रहे, उससे भी उनका काफ़ी रहे, और इस पार्टी के अंदर खाली बोनी कपूर नहीं, पूरी काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोग गए। ऋषि कपूर इस पार्टी में थे, नीतू सिंह थी, राजकुमार हिरानी थे, करण जौहर थे, काफ़ी लोग थे उसके अंदर, पूरी तरह रोहित शेट्टी थे, काफ़ी लोग इस पार्टी के अंदर आए। विधु विनोद चोपड़ा थे, अनुपमा चोपड़ा थी, आमिर खान की पत्नी किरण खेर थी, किरण राव थी, तो इसके तक पार्टी में काफ़ी लोग थे इस पार्टी में जिसमें आए थे, और इसी के लिए आए। और यही इसलिए शायद थोड़ा सा लग रहा है कि ये सामने आ रही हैं कि क्योंकि ये बोनी वापस आ गए इस पार्टी के लिए और श्रीदेवी रुकना चाहती थी, तो इसलिए कुछ ऐसा लगता है कि शायद इसको लेकर कोई दोनों के बीच झगड़ा ना हुआ हो। ये आना चाह रहे हो क्योंकि उनके दोस्त थे और काफ़ी इंडस्ट्री इसमें आ रही थी, तो और वो चाह रही हो कि ना आए, ये ना जाएँ, जिस तरह जनरली पति पत्नी के बीच कोई भी संबंध हो जाते हैं, तो इस तरह का कुछ शंका हम व्यक्त कर सकते हैं। बाकी जो जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह ये प्यार करते थे, जिस तरह इनको संबंध थे, उससे और कोई इस तरह की चीज़ नहीं लग रही। असल में क्या है कि दुबई का जो कानून है वो बड़ा सख्त है। नहीं, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन अभी आपने जो बात कही ना कि देखिए मनमोहन शेट्टी की जन्मदिन की पार्टी थी और उसमें शिरकत करने के लिए, तो जैसे आपने नाम गिनाया, चाहे आपने ऋषि कपूर का नाम गिनाया उसके साथ, आपने उनकी पत्नी नीतू कपूर का नाम गिनाया, आपने विधु विनोद चोपड़ा का नाम गिनाया साथ में, आपने उनकी पत्नी का नाम गिनाया, आपने आमिर खान का नाम और साथ में उनकी पत्नी का नाम भी गिनाया, मतलब नहीं थे आमिर खान की पत्नी, उनकी पत्नी थी, तो मतलब शायद ऐसा हुआ भी थे जी, तो शायद ऐसा हुआ हो कि बोनी कपूर भी चाह रहे हो कि उनके साथ श्रीदेवी भी इस पार्टी को अटेंड करें। अब हुआ क्या है ये देखिए, तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही है, जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, उस पर कॉज ऑफ डेथ प्रमाणित नहीं हो जाता, तब तक सिर्फ और सिर्फ अटकलें लग रही हैं। लेकिन कुछ सवाल जो पीछे छूट गए हैं, जिन्हें उठाना बेहद जरूरी, आपका चैनल एबीपी न्यूज इस वक्त उन्हीं सवालों को उठा रहा है, आपके सामने रख रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।